बर्मिंघम में हरियाणा के पहलवानों ने अपना लोहा मनवाया है। रेसलिंग में ही देश को 6 गोल्ड मेडल मिले हैं। इन पहलवानों ने न सिर्फ देश का मान सम्मान बढ़ाया है बल्कि कुश्ती के अखाड़े में ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बर्मिंघम की धरती पर जय हो। पहलवानों ने बढ़ाया देश का मान। CWG में मेडल की बरसात। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों ने कमाल कर दिखाया है। देश के 12 में से 12 पहलवानों ने मेडल जीतकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। कुश्ती में भारत ने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते। 9वें दिन रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि 8वें दिन साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा पूजा गहलोत, पूजा सिहाग और दीपक नेहरा ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। इससे पहले अंशु मलिक ने रजत पदक हासिल किया। दिव्या काकरन और मोहित ग्रिवाल ने भी कांस्य पदक जीता है। इस तरह कुश्ती में भारत को कुल 12 पदक मिले। पुरुषों के 57 किलो भार वर्ग में पहलवान रवि दहिया ने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। देखो, लगातार लगे हुए हैं, टोक्यो से पहले भी काफ़ी एक अच्छा एक टारगेट के साथ चले हुए थे। अभी टूर्नामेंट हैं, अभी देखो महीने पहले एशियन चैंपियनशिप थी, उसमें मैंने देश के लिए गोल्ड जीता, फिर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो इस तरीके से टारगेट बना के चले हुए हैं और देश के लिए कोशिश रहेगी कि हर जगह जब भी खेलें देश के लिए गोल्ड जीते। विनेश फोगाट ने भारत को 11वां गोल्ड मेडल दिया। विनेश फोगाट ने फाइनल मैच में श्रीलंका की पहलवान को हराया है। अच्छा लग रहा है काफी कि हर एक चीज को पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ गई हूँ, और एज एथलीट मतलब वही एक इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि जीत को तो सभी सेलिब्रेट करते हैं, बस उस हारने के बाद में अपने आप को उस चीज से निकालना, वो एक खिलाड़ी की पहचान होती है और मैं वो पहचान को नहीं खोना चाहती, इसलिए मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ रेसलिंग। नवीन ने पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 74 किलो भार वर्ग के फाइनल में बाय फॉल के जरिए 9-0 से मात देकर कुश्ती में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। मैंने इंडिया लिए मेडल जीता और बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी, जो भी वहाँ पर हमारे रेसलर हैं, हमारी फेडरेशन है साई है, जिसने बहुत अच्छा सेंटर है जो बालगढ़ में साई में, वहाँ पर कोच हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई हमारी और मैं उन्हीं को ही बहुत मान रहा हूँ, जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी की मैंने, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बोल। बर्मिंघम में भारतीय खिलाड़ियों की जीत का कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। खेलों के इस महाकुंभ में अब तक भारत 40 मेडल जीत चुका है। हर भारतीय के लिए ये गौरव का विषय है। बर्मिंघम से किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।